और 9 सेकंड न्यूज में अब बात संसद के मॉनसून सत्र की। मणिपुर में महिलाओं के साथ बदसलूकी किया और हिंसा पर संसद में आज भी हंगामे के आसार। विपक्षी दल दोनों सदनों में बहस और पीएम के बयान की मांग पर अड़े। मॉनसून सत्र के पहले दिन का हंगामेदार आगाज। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। मणिपुर मुद्दे पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष सदन को बाधित करने का बहाना ढूंढ रहा है। संसद हंगामे के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। सदन शुरू होने से पहले नया मुद्दा लाना, सदन को चलने न देना और चर्चा से भागना बन गई है कांग्रेस की आदत। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, मुद्दे से भाग रही सरकार। सत्र के पहले दिन जब पीएम सांसदों का कर रहे थे अभिवादन, तभी सोनिया गांधी ने मणिपुर बहस की मांग की। मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया जवाब। मणिपुर की महिलाएं पीड़ा और यातना झेल रही हैं, लिहाजा तत्काल हिंसा रोकने के लिए सरकार करे उपाय। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल, बोली मणिपुर का मामला है गंभीर, लेकिन मणिपुर के साथ बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम जोड़कर भटकाना चाहते हैं मुद्दा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मणिपुर के हालात को बताया गंभीर, वहां हर रोज हो रही हिंसक घटनाएं, हिंसा रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने नहीं की कोई कारगर कार्रवाई। कांग्रेस ने मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी को लेकर के सरकार पर सवाल उठाए। घटना हुई थी 77 दिन पहले, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सीएम को बदलने की मांग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, मणिपुर की घटना ने मानवता की आत्मा को झकझोर दिया है, ऐसी घटनाओं पर मजबूत स्टैंड लेना होगा। पीएम को मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ की नहीं करनी चाहिए तुलना। और 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं मॉनसून सत्र से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी मणिपुर की घटना को लेकर गंभीर मुद्दा बताया इसे, लेकिन बाढ़ से परेशान पंजाब पर भी ध्यान की मांग की। बोली खत्म हो गई है किसान की आमदनी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, मणिपुर की घटना को देश के इतिहास के लिए काला अध्याय, वहां पिछले 80 दिनों से बनी हुई है अराजकता और सरकारें नहीं कर रही कोई ठोस कार्रवाई। मणिपुर में महिलाओं की किडनैपिंग और गैंगरेप मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 4 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पुलिस बोली अन्य संदिग्धों को पकड़ने के लिए दी जा रही है दबिश। महिलाओं से बदसलूकी मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मणिपुर सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। घटना के बाद की गई कार्रवाई के बारे में भी आयोग ने रिपोर्ट तलब की। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने ट्विटर इंडिया को मणिपुर बदसलूकी की वीडियो को हटाने का दिया आदेश। NCW बोला, वीडियो करता है पीड़ितों की पहचान उजागर, यह एक गंभीर दंडनीय अपराध। मणिपुर के मुख्यमंत्री एनबीरेन ने दिया बयान, महिलाओं के साथ बदसलूकी मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध, वीडियो सामने आने के बाद कड़ी कार्रवाई, जांच चल रही है, कोई दोषी नहीं बचेगा। मणिपुर हिंसा का वीडियो वायरल होने पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधा। तंज कसते हुए कहा कि आपका दर्द या गुस्सा दिखाई नहीं देता। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए DGP को दिया आदेश, अगर पुलिस वाले भी पाए गए दोषी तो उनके खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई। मणिपुर में जारी हिंसा तत्काल रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया, महिला बदसलूकी जैसी घटना फिर ना हो यह सुनिश्चित करें, अगली सुनवाई 28 जुलाई को। मणिपुर हिंसा के चलते अपना घर छोड़कर कुकी समुदाय के लोगों ने दिल्ली में शरण ली, बोले राज्य में नहीं थमने वाली है हिंसा, कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ हुआ है विभत्स कांड। महिलाओं से बदसलूकी के विरोध में मणिपुर के चुराचांदपुर में हुआ विरोध प्रदर्शन, काले कपड़े पहनकर सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन, आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग। मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी के खिलाफ कोलकाता में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस ने मणिपुर के सीएम को हटाने और मुद्दे पर संसद में बहस कराने की मांग की। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए
पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।